एक तरफ जहां पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस महामारी की वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो छोटे काश्तकार हैं, जिनकी आजीविका केवल भुट्टा बेचने से चलती थी, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल इस समय नैनीताल और भीमताल रोड पर पर्यटकों का तांता लगा रहता था। यहाँ आने वाला हर पर्यटक अमृतपुर का मशहूर भुट्टा खाए बिना वापस नहीं जाता था, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसान बड़े पैमाने पर भुट्टे की खेती करते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते पर्यटकों का आवागमन बंद हो गया है, जिसकी वजह से छोटे किसान और मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि फसल में लगाई हुई लागत भी वापस नहीं आई है, जिसकी वजह से किसानों और मजदूरों को काफी नुकसान हुआ है। कोरोना की मार झेल रहे किसान अब सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाती है। बहुत सारी परेशानियां, जैसे थोड़ा बहुत गर्मी में थोड़ा भुट्टा पैसा देता तो भुट्टा बिका नहीं, सुअर ने और बंदरों ने खाया। थोड़ा बहुत पेड़ों में आम होता तो आम जो है ऐसे ही गिर गया। आम को उस तो मंडी हमको जाने नहीं दिया, मंडी जाने के लिए पास बनाओ ये करो, दुनिया भर के बवाले थे उसमें। तो साहब इतना समय हमारे पास है नहीं, यहाँ खेती इस वक्त ये लगभग लगभग आर्थिक संकट से ही जूझ रहे हैं साहब। जो जो सीजनल जो काम होता है सारा टूरिस्ट के ऊपर है, टूरिस्ट आया नहीं तो भुट्टे बिके नहीं, भुट्टे भी खेतों में ऐसे ही सड़ गए। वही आम का है, आम साहब 100 रुपये में एक धड़ी ले जाओ कहता है वो बाजार में। अब 100 रुपये धड़ी जब वो बेच रहा है तो क्या खरीदेगा वो। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से क्या साहब, थोड़ी बहुत जो भी हो सकता है सरकार अगर इन लोगों की सहायता करे। जैसे जो दिन भर कमा के शाम को खाते हैं वो लोग बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जो मतलब दिहाड़ी मजदूर जैसे दिन भर मेहनत करके शाम को मजदूरी लेता है, फिर खरीद के राशन लाता है तब खाता है, न मजदूरी मिल रही कहीं लोगों को। खेतों में मजदूरी मिलती तो खेतों में कुछ काम है नहीं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।